पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बंद करो, क्या है जो मजबूरी हो, क्या है जो मजबूरी हो, बंद करो, बंद करो, आपका विरोध है, क्या मांग है आप लोगों की? आज हमारा जो विरोध है, हमने मुख्यमंत्री को डीएम द्वारा ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन प्रदेश के हर मुख्यालय में दिया रहा है भावदेश की ओर से। हमारी मांग है सफाई कर्मचारी का जो 17,000 वेतन है उसको 15,000 किया जाए और प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश में उत्तराखंड में 15,000 वेतन मिल रहा है। भावी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी ने कोरोना काल में अपने जान हथेली पर रखकर कार्य किया था और सफाई कर्मचारी को हर संस्था ने, हर प्रशासन ने, हर सरकार ने, हर राजनीतिक पार्टी ने कहा था ये कोरोना योद्धा है, लेकिन कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र किताब तो और लोगों को दे दिया गया। जिसने फ्रंट लाइन में काम किया सफाई कर्मचारी ने, उसका आज तक वेतन नहीं बढ़ा है। वेतन 7,500 है, 7,500 के वेतन में सफाई कर्मचारी क्या तो अपने बच्चों को पढ़ा ले, क्या अपने बच्चों को लिखा ले, क्या अपने बच्चों को पहना ले, क्या अपने बच्चों को नहा ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश सरकार से, इस प्रशासन से, कि 7,500 के अंदर बच्चे पल सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं या पल सकते हैं? हमारी मांग है कि पुनः, क्योंकि इससे पहले भी हमने अम्बेडकर पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, अभी धरना भी हुआ था, हमारी मांग मानी नहीं आ रही है। आज हमने भावदेश के बैनर तले पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन देने का काम किया है और इसके बाद भी हमारी मांग मानी गई तो पूरे प्रदेश में घूम के हम आंदोलन करेंगे, अपनी मांग को मनमा करेंगे। किसको ज्ञापन सौंपा गया आपके द्वारा? मुख्यमंत्री पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।